सासी नवाब है और मैं म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि पहले भी मेरे एक इंटरव्यू हो चुका है जिसमें म्यूजिक आर्ट के बारे में आप लोगों को बताए गए हैं, तो इस दफ़ा हम अपने जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमने नई चीज़ें बनाई हैं या हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो इनकी टेक्निक्स क्या हैं, इसके अलावा जो हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट दिखते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कैलीग्राफी बनी हुई है, लोहे कुरानी है, और ये इसकी साइज जो है वो तकरीबन 20x30 इंच है, और ये जो है सारी नेचुरल कलर्स और मार्बल हमने यूज़ की हैं। इसकी जो रेट है, जो प्राइस रेंज है हमारे पास आज की डेट में 15 to 20 thousand की रेट है। तकरीबन कस्टमर के हिसाब से होता है, मतलब लोग इसको आप इंटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो डिस्प्ले है ये सिर्फ फ्रेमिंग में बना हुआ है, लाइक इसके अलावा जो है ना आप इसको रॉ फॉर्म में अगर बना लेंगे, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन न्यू घर जो बना रहे होते हैं उसकी नीशेस जो है उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, और वॉल के ऊपर अपनी जो फीचर वॉल्स बनते हैं उनके ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। लोहे पुरानी कैलीग्राफी जो हर कोई पसंद करते हैं आज का इस्लामिक बुस के हिसाब से। इसके अलावा जो हमारे पास है ये टेबल टॉप है, राइट, इसमें देखेंगे वेदर प्रूफ हमने बनाया हुआ है। इसमें टेबल टॉप में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं हमारे पास, जो इंटीरियर के लिए भी होते हैं, एक्सटीरियर के लिए भी होते हैं। ये टेबल टॉप जो है इसमें हमने इसको बनाया है वेदर प्रूफ। और इसके अलावा सेकंड जो है ये भी कैलीग्राफी अल्लाह नूर समावाती वाल अर्थ इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें भी सारे जो है नेचुरल कलर्स ऑफ स्टोन यूज हुए हैं। तो इसकी भी प्राइस रेंज यही है कि 5 to 10 thousand की रेंज है। इसकी फ्रेमिंग नहीं हुई है, एज इट इज़ फॉर्म में अगर कोई लेना चाहेंगे तो उसकी प्राइस रेंज यही है। इसके अलावा हम आते हैं मिरर फ्रेम। तो मिरर फ्रेम जो है इसमें इतनी डिटेल वर्क नहीं, डिटेल वर्क हुई है लेकिन मेहनत इसमें भी हुई है, लेकिन इसमें जो है ना हमारी जो मटेरियल कॉस्ट की हम बात करेंगे तो इसमें हमने जो यूज़ किए हैं देखें, बिल्कुल टोटली वेस्ट को हमने यूज़ करके एक मिरर फ्रेम हमने बनाई है। इसमें हमने जो बजरी है उसको हमने यूज़ करके एक न्यू चीज़ क्रिएट किया है इसमें। तो ये डेकोरेशन पीस हर कोई अपने घर में लगा सकते हैं, वॉशरूम के लिए यूज़ हो सकता है, तो उसमें कोई भी साइज़ हो, कोई भी डिज़ाइन हो, तो वो आप कस्टमाइज के हिसाब से भी हम बना सकते हैं, राइट। उसके अलावा ये भी टेबल टॉप है, इसको भी वेदर प्रूफ है, इसको बाहर रख सकते हैं, इनसाइड भी रख सकते हैं, उसके जैसे कॉफी टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरा टेबल टॉप है हमारे पास, तो ये वेदर प्रूफ नहीं है, इसके ऊपर हमने फ्रेमिंग की है, वुडन फ्रेमिंग है, और इसके ऊपर हमने मिरर शीशा लगाया हुआ है, तो ये इनडोर के लिए है, एज ए कॉफ़ी टेबल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास ये भी है, सुभान अल्लाह हम भी सुभान अल्लाह यज़ीन, तो है ये कैलीग्राफी है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है कस्टमाइज के हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं, इस पर भी नेचुरल मार्बल सारा हमने यूज़ किया है और सारा हैंडमेड है। इसमें भी यही डिटेल वर्क हुआ हुआ है, उसको वॉल पर भी लगा सकते हैं, इसको डायरेक्टली वॉल पर फिक्स भी कर सकते हैं, और नीशेज पे भी आप काम करवा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे टाइप की कैलीग्राफीज, कोई भी कैलीग्राफी, कोई भी पुरानी आयत हो तो वह हम इस पर लिख सकते हैं, मार्बल म्यूजियम में बना सकते हैं। अभी आते हैं इनसाइड मेरे स्टूडियो है, तो यहाँ पे भी कुछ मिरर फ्रेम एक रखा हुआ है, इस तरह की छोटी वॉल हैंगिंग भी हम बना सकते हैं, लाइक इसमें रज़ा को लिखा हुआ है अल्लाह के नाम है, ठीक है। तो ये हम बना के आराम से अपने वॉल में हैंगिंग कर सकते हैं, तो ये डेकोरेशन के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा ऑफिस के लिए जैसे ये हैं एज ए पेन फोल्डर, इसके अंदर आप पेन रख सकते हैं, और इस तरह के वाजेस हैं तो ये भी टेबल के साइड पर ऑफिस के अंदर भी यूज़ हो सकता है, इधर में भी आप रूम के साइड पर आप लगा लें, टेबल के ऊपर आप रख लें, इसके अंदर फूड रख लें, तो ये भी एज ए डेकोरेशन पीस। और इसके अलावा जैसे ये अल्लाह मोहम्मद ये बना हुआ है, ये भी कैलीग्राफी है, ये भी छोटे छोटे कैलीग्राफीज हैं, और ये छोटे सा एक कॉफी टेबल है या बेड साइड टेबल आप इसको बना सकते हैं, राइट। और इसके अलावा ये अफ्रीकन आर्ट हमने बनाई हुई है, जो अफ्रीकन खवातीन हैं उनके जो हैं उसको हमने इंस्पिरेशन लेके तो वो हमने बनाए हैं। इसके अलावा ये पीकॉक बना हुआ है, ये भी सारे नेचुरल कलर्स और मार्बल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है हमने, कोई डाई शाई यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा ये सीनरी बनी हुई है, तो ये भी ये नेचुरल कलर्स और मार्बल है, इसमें बहुत डिटेल वर्क हुआ हुआ है, इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, इस तरह जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसकी प्राइसिंग रेंज हम अपने हिसाब से रखते हैं। इसके अलावा अगर हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जैसे फ्लोरिंग हो गए, कारपेट्स हो गए, नीशेस हो गए, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो वो पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से होता है, तो उसकी प्राइस रेंज होती है 1200 से लेकर 2000 तक, हमारे कलर्स और डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हॉर्स बना हुआ है, इसमें भी सारे नेचुरल कलर्स और मार्बल यूज हुए हैं, इसमें बहुत डिटेल काम हुआ है। इसके अलावा एक ये नाइट चीज़ बनी हुई है, इसमें देखेंगे जब दूर से आप कोई चीज़ देखेंगे आपको नजर आएगा एक लड़की खड़ी है छतरी लेके, ऊपर बारिश हो रही है, तो हमने इसको एक इफेक्ट दिया हुआ है, नीचे पेंटिंग की है, ऊपर हमने मोज़ेक के साथ कॉम्बिनेशन हमने बनाई है,
और इसके अलावा ये भी टेबल टॉप है रेड के कलर में, इसको ऐसे कॉफी टेबल आप यूज करें या डाइनिंग टेबल भी आप बनवा सकते हैं इसमें। इसके अलावा ये भी सारे कैलीग्राफीज हैं। और इसी से रिलेटेड एक और डिफरेंट चीज है, जैसे ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है और इसमें नीचे हमने पेंटिंग की हुई है, ऊपर हमने स्टोन्स के साथ हमने कैलीग्राफी की हुई है। तो इनके प्राइसेस रेंज इतना ज्यादा छोटे छोटे पीसेस हैं उनके तकरीबन 3,000 to 5,000 के रेंज है। इसके अलावा जो है ये भी एक टेबल टॉप, आप इसको जो हम ये रॉ फॉर्म है, इसकी पॉलिशिंग नहीं हुई है, इसके ऊपर हम रेजिन लगाएंगे, इसकी पॉलिशिंग हो जाएगी तो फिर जो ये वेदर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको कोई फ्लोर में लगाना चाहे तो फ्लोर पर भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये है, ये टेबल है, ये इंडोर के लिए है, इसके ऊपर हम शीशा लगाएंगे, साइड में इसकी फ्रेमिंग हुई है तो इसमें भी सारे डिटेल वर्क हुआ है, जैसे डेंसिस के फ्लावर्स बने हुए हैं और ये सारे हैंडमेड है, सारे नेचुरल कलर्स वहाँ पर हैं। तो ये थी हमारी जो प्रोडक्ट, हमारे स्टोरी में जो डिस्प्ले थे हमने आप लोगों को दिखाई। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी सर्विसेज चाहिए एक्सटीरियर से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड या फिर निशेस जो भी मोज़ेक आर्ट बनाना हो तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को इंक्वायरी अकॉर्डिंग टू आवर सर्विसेज अगर कोई इंक्वायरी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो बना के दिखा सकते हैं उसमें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो होगा, उसमें आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।